हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की फेमस डिश पूरण पोली। मीठी पूरण पोली के संग हम बना रहे हैं चटपटी कटाची आमटी। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं पूरण पोली और कटाची आमटी। पोली जो कि चपाती जैसा होता है, उसके लिए हमें चाहिए एक कप आटा, एक कप मैदा, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी और पानी लगभग एक कप से थोड़ा कम लगता है। अंदर भरने वाले मिक्सर यानी कि पूरन बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप चना दाल, एक कप गुड़ जिसको मैंने कूट के पाउडर कर दिया है, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और जायफल का हम 1/4 टी स्पून ग्रेट करके पाउडर लेंगे। चना दाल को हम 3 बार पानी बदल के अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। उसे हम कुकर में डाल लेंगे। कुकर में मैंने 4 कप पानी डाला है क्योंकि मुझे आमटी बनाने के लिए दाल का पानी चाहिए। अगर आप आमटी नहीं बना रहे हैं तो आप 3 कप पानी ही डालिएगा। कुकर का ढक्कन बंद करके हम 4 विसल तक उसे पकाएंगे। पहला विसल हाई फ्लेम में और बाकी 3 लो फ्लेम में। तब तक हम पोली के लिए आटा लगा लेते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े से बोल में लेंगे आटा, मैदा, हल्दी और नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल। इन सबको हम पहले अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से गूंदेंगे। एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। हमें एकदम लूज और सॉफ्ट आटा मारना है इसमें। देखिए, 1 कप पानी में भी थोड़ा सा पानी बच गया है। इतना आटा गूंदने के लिए हमें 1 कप से भी कम पानी लगा है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आटा एकदम लूज और सॉफ्ट होना चाहिए। आटा इतना सॉफ्ट लगा है, देखिए हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। फिर हम इसमें कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून के करीब लेके चारों तरफ लगा के आधे घंटे के लिए हल्के गीले सूती या मसलन क्लॉथ से ढक के छोड़ देंगे। हमारी दाल पक गई है। अब हम कुकर खोल के देखेंगे। देखिए, दाल बिल्कुल परफेक्टली कुक हुई है। मैं इसमें से कुछ दाने दबा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो गया है, बहुत अच्छी तरह पक गया है। हमें इसी तरह से दाल को पकाना है जो एकदम अच्छी तरह से मैश हो जाए। अब इसको हम एक बड़ी चलनी से छान लेंगे और इसका जो पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसी पानी से हम बनाएंगे आमटी। पानी निकले हुए चने की दाल को हम डालेंगे कढ़ाई में। फिर हम उसमें डालेंगे गुड़। मैंने यहाँ पे गहरे रंग का गुड़ लिया है क्योंकि वो हेल्दी होता है। आप किसी भी कलर का गुड़ इसमें डाल सकते हैं। दोनों को हम मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, गुड़ ने पानी छोड़ दिया है और कंसिस्टेंसी पतली हो गई है। इसको हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, लगातार चलाते रहेंगे। अब देखिए, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और जायफल को हम ग्रेट करेंगे करीब 1/4 टीस्पून जितना। हम ग्रेट करके उसका पाउडर डाल देंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरन की कंसिस्टेंसी ठीक है कि नहीं देखने के लिए हम थोड़ा सा पूरन अपनी उंगलियों के बीच में लेके बॉल की तरह से रोल करके देखेंगे। अगर वो बॉल बन जाता है उसका मतलब कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम भूनना रोक सकते हैं। अब हम इस पूरन के मिक्सर को फाइन बनाने के लिए चलनी के अंदर से इसको छानेंगे। इस तरह से हम चम्मच से दबा दबा के छान सकते हैं। हम इस मिक्सर को गर्म ही छानेंगे क्योंकि जब ये गर्म होता है तो आसानी से छन जाता है। देखिए, इस तरह से हम दबा दबा के छान लेंगे और दूसरी साइड से देखिए मिक्सर कैसे गिर रहा है। हम चम्मच से भी इसको बोल के अंदर इस तरह से स्क्रेप करके डाल सकते हैं। देखिए, पूरन का मिक्सर अच्छी तरह से छन के तैयार है। आधा घंटा हो गया है। अब हम डो देखेंगे कपड़ा हटा के। देखिए कितना सॉफ्ट डो है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है और एकदम लूज भी है। इसको एक बार और हम मसल लेंगे। देखिए, हाथ एकदम ही क्लीन है, इससे पता चल रहा है कि डो कितना सॉफ्ट है। फिर हम इसकी लोई बना लेंगे। इस डो से 8 लोई बन के तैयार होंगे। अब हम पूरन
को एक बार मसल लेंगे। इनसे भी हम लोई बना लेंगे। हम पूरन के लोई को डो के लोई के साइज के बराबर का ही तोड़ेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर साइज के हैं। और इस पूरन के भी 8 लोई बनेंगे, तो हमारे डो के भी 8 लोई और पूरन के भी 8 लोई। हम आटे के लोई को उसी गीले कपड़े से ढक के रख देंगे, नहीं तो वो सूख जाएगा और फिर बेलने में प्रॉब्लम होगी। अब मैं एक पूरन पोली बना के दिखाती हूँ। आटे के लोई को मैदे या चावल के सूखे आटे पे अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। फिर उसके बाद अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से देखिए इस तरह से कटोरी बनाते हुए उसको बड़ा कर लेंगे, फैला लेंगे। बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे और किनारियां पतली रखेंगे। फिर उसके अंदर हम डालेंगे पूरन और पूरन को अंगूठे से दबाते हुए उंगलियों से पुल करते हुए इस तरह से सील कर लेंगे। देखिए कितना परफेक्ट पेड़ा बन के तैयार हुआ है। अब इसको हम वापस मैदे या चावल के सूखे आटे में रोल कर लेंगे और इसको अब हम बेलेंगे नहीं, पहले हाथ से ही दबा दबा के इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरन अंदर सारी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एक ही तरफ ना रहे। देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। वापस हम इसको मैदा या चावल के आटे में रोल करके अब हम बेलन से इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे, जैसे रोटी या पराठा बेलते हैं उसी तरह से बेल लेंगे। फिर हम उसे सेकने के लिए तवे पे डाल देंगे। देखिए एक साइड से थोड़े थोड़े छोटे बबल्स आ गए हैं, तो इसको हम पलट लेंगे और घी लगा लेंगे। हम दोनों साइड पलट पलट के घी लगा के सेकेंगे। देखिए पूरन पोली एकदम फूल गई है। ये साइन है कि पूरन पोली बिल्कुल सही बनी है, क्योंकि पूरन अंदर से सारी तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है, जिसकी वजह से ये बीच में से फूल जाती है। अब हम इस पूरन पोली को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे चटपटी आमटी। उसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के प्याज, 10 से 15 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, 1/4 हिस्से का भी आधा सूखा नारियल, नींबू जितने साइज की इमली, आधा कप धनिया पत्ता और 8 से 10 कड़ी पत्ते। और सूखे मसालों में हमें चाहिए 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 10 से 15 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 3 इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ते, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और 2 टेबलस्पून खसखस के बीज। एक लोहे की कढ़ाई में बिना तेल के हम खसखस को मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का होगा तब इसको हम निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम बिना तेल के सूखे मसाले भूनेंगे, जैसे कि धनिया, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज पत्ते। इन्हें हम तब तक भूनेंगे जब तक इनका हल्का सा रंग नहीं बदल जाता और अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर हम इनको उसी बोल में निकाल लेंगे। फिर हम उसी कढ़ाई में डालेंगे कटे हुए सूखे नारियल के टुकड़े और तब तक चला के हम भूनेंगे लगातार चलाते हुए जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। अब देखिए ये बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए, तो इनको भी हम सेम बोल में निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक ये भी गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। फिर हम इनको भी उसी बोल में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे लहसुन और अदरक के टुकड़े और हरी मिर्च। ये भी जब थोड़े से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो इनको भी हम सेम बोल में निकाल लेंगे। इन रोस्टेड मसालों को हम ठंडा कर लेंगे
मिक्सी के जार में डाल देंगे। आधा कप धनिया डाल देंगे और आधा कप पानी के संग पीस लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा फाइन पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ड्राई रखेंगे। फिर एक कढ़ाई में हम 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। उसमें डालेंगे जीरा। जब जीरा स्प्लटर कर जाए तब उसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद हम तुरंत ही पिसा हुआ मिक्सचर डाल देंगे, नहीं तो ये मसाले जल सकते हैं। फिर इनको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक इनका मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता और ये मसाले थोड़े से सूख नहीं जाते। इनमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता आप जीरे के संग ऑयल में भी डाल सकते हैं। अब देखिए ये मसाला कितना सूख गया है भून के, और अब ये बिल्कुल भी कढ़ाई के तले में भी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी तरह से भून गया है। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे दाल का पानी जो हमने रखा था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, दाल का पानी और ये जो मसाला है ये आपस में अच्छी तरह से मिल जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून इमली का पल्प और 2 टेबलस्पून पूरन। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आमटी कंसिस्टेंसी में थोड़ी पतली होती है, तो इसमें हम मिलाएंगे करीब 1 से 1.5 ग्लास पानी। पानी मिला रहे हैं तो उस हिसाब से नमक भी ऐड करेंगे। फिर हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए सिमर होने देंगे, जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आ जाता ये और ये अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता। देखिए अब ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है और हमें दिख रहा है कि तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसे धनिया के पत्ते से गार्निश कर लेंगे। देखिए हमारा चटपटा और मजेदार कटाची आमटी बनके तैयार है। देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी। अब हम पूरन पोली की ट्रेडिशनल थाली सजाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे घी, फिर डालेंगे कटाची आमटी, उसके बाद हम डालेंगे दूध या दही या श्रीखंड जो भी आप पसंद करते हैं, फिर डालेंगे कुरडई, उसके बाद आम का अचार। इस अचार की रेसिपी मैंने अपने चैनल में अपलोड करी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हम रखेंगे एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट पूरन पोली। कटाची आमटी को एक बार फिर हम धनिया के पत्ते से गार्निश कर लेंगे। मैं आपको पूरन पोली का परत खोल के दिखाती हूँ। देखिए कितने आराम से ये खुल गया है और हमें अंदर दिख रहा है कि गुड़ कितने इवनली पूरे पोली में एकदम अच्छी तरह से स्प्रेड है, तभी वो बीच से पूरी तरह से खुल गया है। ये मीठी और सॉफ्ट पूरन पोली चटपटे और तीखे कटाची आमटी के संग बहुत ही मजेदार और स्वादिष्ट लगता है। इसको ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन हिट करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।